सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, झाड़ू जो सीधी तरह से माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है और ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं जीवन में कभी धन की कमी नहीं हो तो शुक्रवार के दिन एक नई झाड़ू पास के किसी मंदिर में रखाइए या फिर उसी झाड़ू से मंदिर में झाड़ू वगैरह देके धोकर साफ करके घर वापस चले आइए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। आप अपने घर में झाड़ू तो लगाते ही होंगे सुबह सुबह, लेकिन शनिवार और रविवार के दिन आप मुख्य दरवाजे पर झाड़ू लगाने के पहले पानी डालें, फिर झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। ऐसा आप करके देखें, आपको कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगेगा। ध्यान रखिएगा, झाड़ू आप मुख्य दरवाजे पर झाड़ू लगाने के पहले शनिवार और रविवार के दिन पहले आपको एक दो बाल्टी पानी डाल देना है, फिर झाड़ू लगाना है। या आप चाहें तो डेली रूटीन में भी ऐसा शामिल कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होने लगेगा ये बातें सच है। लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को हमेशा ढककर और छिपाकर रखना चाहिए? जिस तरह से आप धन को छिपाकर रखते हैं, ज्वेलरी को छिपाकर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी छिपाकर रखना चाहिए। आप जब भी नया झाड़ू लेकर आते हैं, वैसे तो शनिवार के दिन पुराना झाड़ू हटाना चाहिए और शनिवार के दिन लाना भी शुभ होता है। बहुत सारे जगह ऐसा भी वर्णन आता है शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आप शुक्रवार शनिवार इन दिनों में खरीद सकते हैं झाड़ू, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्मी का प्रतीक है। और झाड़ू जब भी घर लाते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक सफ़ेद धागा झाड़ू के हैंडल में बांध दें और फिर इसका यूज कीजिए। आप चाहें तो मौली धागा, कुमकुम वगैरह भी डाल सकते हैं, पर उससे अच्छा रहेगा सिर्फ एक सफ़ेद धागा कच्चा सूत हो तो और भी अच्छा, वरना जो भी धागा आपके घर में है उसे बांध दें सफ़ेद रंग का। और झाड़ू को जब भी आप पूरा घर साफ करती हैं, बाहर साफ करवाती हैं मिट्टी से ही सही, तो क्या करेंगे, उसको कहिए साफ करेगी, पहले उसको सूखने दें, अच्छे से पानी निकल जाए, फिर उसे संभाल कर ढक कर रखें। और झाड़ू को हमेशा ही पश्चिम दक्षिण कोना में रखना चाहिए। अपने घर का स्थान देखिए किधर है और छिपा कर रखें, ढक कर रखें, आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और अचानक से झाड़ू लगाने लगता है तो अनचाहे मेहमान आपके घर में आ सकता है। चलिए हम जल्दी से आपको बतला ही दें, रात में झाड़ू आप अपने मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर, यानी आपका घर है, आप अंदर रहती हैं, आप अंदर की ओर दाहिने साइड झाड़ू को खड़ा नहीं रखना है बल्कि उल्टा, यानी वो जो हैंडल है जिसको पकड़ के झाड़ू लगाते हैं वो दरवाजे के पास रहेगा, बाकी झाड़ू लगाने वाला अंदर। नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश नहीं करेगी और आपके घर में खुशियां भी आएंगी। तो इन चीजों को अपनाकर जीवन में कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे वास्तु दोष दूर हो सकते हैं और खुशियां तो आएंगी ही आएंगी।